हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 66वीं पीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए 63वीं पीपीएससी मुख्य परीक्षा की आरटीआई की जीएस पेपर 2 की कॉपी लेकर उपस्थित हैं। इसकी पेपर 1 की कॉपी हमने सुबह में इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को ऐड कर दिया गया है। इन्हें जीएस पेपर 1 में 190 यानी 190 अंक प्राप्त हुए थे, जिसमें इन्हें स्टेट वाले सेक्शन में 72 में 66 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि एक अच्छा मार्क्स है। आप उस कॉपी को देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि स्टेट वाले प्रश्नों में 100% मार्क्स बीपीएससी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, अगर आपने पूरे स्टेप वाइज स्टेप प्रश्न को हल किया है। खंड 1 में पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है, यानी प्रश्न को दो हिस्सों में पूछा गया है। इनकी भूमिका देख लेते हैं। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश हेतु उसके उनके अंगों में बहने वाला लहू होता है। इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान सभा ने भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु एक निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। भारतीय निर्वाचन आयोग 16 बार केंद्र में शांतिपूर्ण तरीके से सफल निर्वाचन कराने तथा विभिन्न राज्यों की सैकड़ों चुनावों को संपन्न कराने का श्रेय इसे दिया जा सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जिससे उनकी गंभीरता का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब कौन कौन से कदम है? तो चुनाव में जब नॉमिनेशन होता है उस टाइम चुनाव के उम्मीदवार जो होते हैं उन्हें अपनी संपत्ति का, उन पर लगे आपराधिक जितने भी आरोप हैं उन सब का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। ईवीएम के साथ वीपी पैड ऐड किया गया है, ताकि एक पर्ची भी आपको मिले और आपके द्वारा जो मतदान किया गया है उसकी विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा सके। चुनाव किसी जाति विशेष के पक्ष में ना हो, इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाता को धन आदि के लोभ से प्रभावित न किया जा सके, इसके लिए भी आचार संहिता में विशेष व्यवस्था की गई है। मतदान आरंभ होने से 48 घंटे पूर्व, इन्होंने खत्म होने से लिखा है, लेकिन जो रूल है कि आरंभ होने से 48 घंटे पूर्व सभी तरह के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दिया जाता है, ताकि मतदाता को अंतिम समय में प्रभावित न किया जा सके। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सके, इसके लिए निर्दलीय उम्मीदवारों को भी पर्चा दाखिल करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनेक बार चुनाव आयोग ने आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को चुनाव आयोग चुनाव लड़ने से रोका है, जिससे कि आपको पता होना चाहिए लालू प्रसाद यादव के चुनाव पर रोक लगाई गई है। और भी बहुत सारे ऐसे नेता जिनके अपराध सिद्ध हो गए हैं उनको चुनाव पे चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई है। इसके बाद प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है कि इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र की भूमिका काफी अहम है, इनके विभिन्न उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य क्या है? फर्जी मतदान को रोकना, मतदाता की पहचान को सुनिश्चित करना, इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र किसी भी वजह से नहीं उपस्थित होने के कारण अगर कोई मतदान करना चाहता है उसके लिए भी विकल्प उपलब्ध करा रखा है, कि अगर आप कोई भी फोटो पहचान पत्र लेके जाएंगे और आपका निर्वाचन नामावली जो होती है उसमें नाम है तो आप मतदान कर सकते हैं। तो समग्रता कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक चुनाव आयोग का कार्य सराहनीय रहा है। सरकार को बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो कमेटी गठित हुई है उन कमेटी के सुझावों के ध्यान में रखते हुए जो तकनीक के प्रयोग को लेकर, सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर जो चिंताएं खड़ी हुई हैं उसके समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है जिसका इन्होंने उत्तर लिखा है, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णनात्मक राजनीति की बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के विशेष संदर्भ में चर्चा करें।
भारत विविधता वाला देश है, जहाँ पर अनेक जाति, संप्रदाय, धर्म आदि के लोग निवास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारत की इस विविधता को अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हेतु प्रयोग किया है। समाज को जाति, धर्म आदि में बांटकर अपनी रोटियां सेकते रहे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे राजनीति में इसका प्रयोग घटता गया और वर्तमान में हम वर्णनात्मक राजनीति के बजाय विकास की राजनीति की ओर धीरे थोड़े बहुत धीरे ही सही लेकिन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। अब इन्होंने पॉइंट वाइज में तर्क को फॉर्मुलेट किया है। क्या जनता धर्म जाति संप्रदाय आदि के आधार पर समाज को बांटने वाले राजनीतिक दलों को उनकी जो बातें होती हैं उनको उतना ध्यान नहीं देती है? आज के समय में जनता अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए गए पुराने कार्य एवं आगामी बचे हुए जो कार्य हैं उनकी बात करती है। इन्होंने उदाहरण भी दिया है बिहार का, क्योंकि आपसे प्रश्न में बिहार को टेल लगाकर स्पेशल संदर्भ में पूछा गया है। ये पेज इनका उतना क्लियर नहीं है, तो जितना आपको दिख सकता है बता देता हूं मैं। बिहार की वर्तमान सरकार से यहाँ के लोगों ने विकास के संबंधित जो वादे किए थे, जैसे इस सरकार ने किया कि 35% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, दहेज प्रथा को कड़ाई से बंद करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, इसके बाद इन्होंने एक संतुलित निष्कर्ष लिखा है कि हालांकि इस बात से पूरी तरह से सहमत भी नहीं हुआ जा सकता कि हमारी राजनीति पूरी तरह से विकास पर केंद्रित हुई है। बीच बीच में होने वाली विभिन्न बातों जैसे चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए नेताओं द्वारा विभिन्न मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों घरों की यात्रा, आरक्षण संबंधी मुद्दे को उठाकर वर्ग विशेष का विश्वास जीतने का प्रयास किया जाता है। लोक लुभावन वादे आदि को सुनकर और जानकर इस दिशा में हमारी परिपक्वता में अभी और ठोस रूप से कार्य करने की जरूरत है। इन्हें 22 अंक इस प्रश्न में प्राप्त हुए हैं। प्रश्न है कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही हैं। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। भूमिका देखिए, भारतीय संविधान संघीय प्रणाली को दर्शाता है, जिसमें केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विवरण दिखता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में जो शक्तियों का विवरण है वो अमेरिका की तरह कंटेनर टाइट नहीं है। संघीय प्रणाली के कारण केंद्र और राज्य अगर अपनी सीमा में रहकर कार्य करें तो यह संविधान को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन अगर इस संबंध में असंतुलन आता है तो अनेक समस्याएं समय समय पर उत्पन्न होती है। इसी को दृष्टिगत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसे मौके सामने आए जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार के कुछ हालिया मुद्दे निम्नलिखित हैं। नीति आयोग के आने से पूर्व स्थापित योजना आयोग पर अनेक तरह के आरोप लगाए गए, इसीलिए इस बार जो अप्रोच, क्योंकि उसका जो अप्रोच होता था वो क्या होता था, टॉप टू बॉटम का होता था, लेकिन नीति आयोग ने इस अप्रोच को चेंज करके बॉटम टू टॉप करने की कोशिश की गई है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा जिला स्तर से नीचे के जजों की नियुक्ति हेतु देश स्तर पर एक कॉमन परीक्षा का आयोजन करने का प्रयास कर रही थी। केंद्र द्वारा प्रायोजित आयुष्मान भारत योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40% है, जिसे कुछ राज्यों ने अपनाने से इनकार कर दिया, जैसे पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कुछ राज्यों ने अलाभकारी बताते हुए इसे अपने यहाँ लागू करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नो डिटेंशन पॉलिसी को कुछ राज्य सरकारों ने असंगत बताया तथा इसे लागू करने से इनकार कर दिया। इसी तरह से वर्तमान में लाई गई GST नामक नवीन व्यवस्था का कुछ राज्य सरकारों ने संघीय व्यवस्था पर आक्षेप बताया। नीट की परीक्षा, यानी आप देख सकते हैं कि पॉइंट वाइज इन्होंने जितने भी विवाद मुद्दे हैं उनको ढेर सारे उदाहरण इसमें समाहित करने का प्रयास किया है।
समग्रता कहा जा सकता है कि अगर विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सहयोगी संघवाद को न अपनाकर आपस में इस तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए दृष्टिगत लड़ते झगड़ते रहेंगे तो अनेक संस्थागत एवं अनावश्यक उलझने आदि रहेंगी। इसी समस्या के समाधान हेतु नीति आयोग की स्थापना की गई ताकि विभिन्न राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से अपने अनुसार योजना चुनने की आज़ादी देता है तथा सहयोगी संघवाद की दिशा में आगे बढ़ने का एक हर संभव प्रयास करता है। अब आते हैं हम खंड दो पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें, पहला पाठ है। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करें। बिल्कुल ही फ्लैट क्वेश्चन है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की 52% आबादी कृषि क्षेत्र पर कार्यरत है और भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 14% योगदान देती है। हमारी कृषि की वर्तमान दशा काफी खराब है, इसके निम्नलिखित कारण है। जोत का आकार छोटा होना, ज्यादातर जो यहाँ के किसान है वो सीमांत किसान है, किसानों में कृषि से संबंधित जानकारियों का अभाव होना, कृषि आधारित उद्योग का कम होना और संरचनात्मक विकास भी उस गति से ना होना। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी और संरचना जैसे परिवहन, भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, बाजार आदि की काफ़ी किल्लत है, कमी है। फसल उत्पाद का सही दाम नहीं मिल पाना, इसके अलावा MSP का भी सही से भुगतान नहीं हो पाना समय से, बिचौलियों की इसमें अहम भूमिका हो गई है। इन समस्याओं को दूर करने हेतु अब जो सेकंड पार्ट है कि सरकार ने प्रयास क्या क्या किए हैं, तो जोतों की चकबंदी कर सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाना, संविदा कृषि को बढ़ावा दिया जाना। अब योजनाएं कौन कौन से चल रही हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करना, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, ऑपरेशन ग्रीन्स, ईनेम, इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो आपने देखा कि नहीं, इसमें नंबर भी अच्छे मिले हैं। आप चाहें तो वर्तमान समय में और जो कुछ नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान योजना आरंभ किया गया है, संपदा योजना जो चल रही है, किसान उड़ान योजना, तो आप जितने कृषि से संबंधित अगर इस तरह के फ्लैट क्वेश्चन आपको मिल जाए फुलटॉस वॉल, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का संक्षिप्त में वर्णन कर सकते हैं वो आपके लिए उतना ही अंगदायी साबित होगा। तो कृषि से संबंधित जितने भी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में 5 से 6 लाइन आप एक लिस्ट बनाकर रख ले अगर आप मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबों के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये भी क्या है, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास वाई की अलग समिति द्वारा किया गया, जिसने भोजन उपलब्धता के आधार पर गरीबी के पैमाने को अब इस तरीके से आप फिक्स करने से बचें, ठीक है, निर्धारित किया। इसने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2100 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया। इसके बाद आप 2-3 समितियों का जिक्र कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया प्रोफेसर लकड़वाला समिति, इसके बाद सचिन तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, UNDPI और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इनिशिएटिव, इसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। इसके कारण क्या क्या हैं गरीबी के, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक निर्भरता, विनिर्माण क्षेत्र का पिछड़ापन, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य पर अत्यधिक खर्च जिसके कारण बहुत सारे परिवार गरीबी की रेखा से नीचे चले जाती हैं। अब सरकार द्वारा प्रयास क्या किया जा रहा है, तो मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कृषि में अनेक सुधार, मनरेगा जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना
किसान सम्मान योजना, इस तरह की ढेर सारी योजनाओं का आप उल्लेख कर सकते हैं। तब यहाँ से भी क्या करेंगे, गरीबी से संबंधित गरीबी उन्मूलन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कहीं भी आप जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से संबंधित आंकड़ों को आप जरूर साथ में इकट्ठा करें। अगर कृषि से संबंधित भी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो बिहार में कृषि रोड मैप, तृतीय कृषि रोड मैप के क्या आंकड़े हैं, और बिहार सरकार कृषि के विकास के लिए कौन कौन से कार्य चला रही है, सीड बीज के लिए बैंक बनाने वाला या सीड की डोर टू डोर डिलीवरी करने की जो योजना हो, इन योजनाओं को आप स्पेशल उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रगति की है, पार्ट वन है। पार्ट टू है इसका कि एक से अधिक उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाने के सकारात्मक एवं ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट करें, पार्ट टू हुआ। भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता मिली है, यानी तीन पार्ट में से पूछा गया है प्रश्न को। इन्होंने भूमिका बताया है कि इसरो की किस तरीके से कब स्थापना की गई 1969 में, फिर उसके विकास की प्रक्रिया को बताया धीरे धीरे, इसके बाद इसरो ने जो जो कार्य किए हैं आपने देखा होगा कि इसका वर्णन इन्होंने कर रखा है इसमें आंकड़ों के साथ, फिर नकारात्मक पक्ष बताया है इसके, इसमें इन्हें 18 अंक प्राप्त हुए। प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में भारत का क्या योगदान है, निकट भविष्य में पूरा विश्व इस ग्रह के मानों के द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण पानी में डूब जाएगा, उक्त कथन पर अपने विचार व्यक्त करें। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को बताते हुए भूमिका लिखी कि पृथ्वी अनेक प्रकार के गैसों से घिरा हुआ है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों की उपस्थिति के कारण इस ग्रह का तापमान आदर्श स्थिति में बना रहता है, किंतु CO2, CFC, मीथेन जैसे गैसों की मात्रा अधिक होने के कारण जो आदर्श टेम्परेचर है उसमें क्या होती है, परिवर्तन होने लगता है और वो बढ़ जाता है। इस प्रकार पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है और यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब भारत ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं अभी तक, तो 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करने की घोषणा की गई है। इसके बाद आपको पता होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको UNO के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था, जो कि भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है इस क्षेत्र में। भारत ने ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है और फ्रांस के साथ मिलकर इस दिशा में काफ़ी प्रयासरत है, जिसकी कि अभी बैठक हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके बाद BS4 नॉर्म्स को लागू किया जा रहा है और उसके BS4 मानकों से सीधा BS6 मानक को लागू करने का प्रयास तेजी से सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ आप इस बात का उल्लेख भी कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी EV है उसके क्षेत्र में भी सरकार बड़े निवेश कर रही है और कई तरह के EV वाहनों पर छूट प्रदान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके बाद इन्होंने निष्कर्ष लिखा है कि समग्रता कहा जा सकता है कि इस पृथ्वी को अगर हमें बचानी है तो हम सभी को इस दिशा में साझा प्रयास करना होगा। अब इस प्रश्न के उत्तर को इन्होंने बहुत, चूंकि समय की कभी कभी दिक्कत होती है अंतिम प्रश्न में, तो इन्होंने शॉर्ट में लिखा है। आप चाहें तो इसको विस्तार से बता सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो इस दिशा में चलाई जा रही हैं, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही हैं, EV को रजिस्ट्रेशन फी में EV वाहनों को छूट दी गई है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका क्या उल्लेख इन प्रश्नों में कर सकते हैं। तो ये रही GS पेपर 2 की RTI की कॉपी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि कल से
आपको कुछ इस तरीके के प्रश्न दिए जाएं जो कि बीपीएससी में पूछने की जिसकी संभावना है। जैसे कि प्रश्न मान लें कि जी कि आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय नियोजन दृष्टिकोण एक व्यापक बदलाव से गुजरा है, क्या वर्तमान नियोजन परिवेश कोविड 19 काल के बाद उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए पर्याप्त है परीक्षण के लिए। इसका हल करने का दृष्टिकोण मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद आप इस प्रश्न को खुद से लिख के देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजन के विकास की स्थिति की चर्चा कीजिए। पहले नियोजन के विभिन्न चरणों का उपयुक्त समावधि के विभाजन करें, यानी वर्गीकृत तरीके से इसको बताने की कोशिश करें। विभिन्न समयावधि में नियोजन के चरणों की संक्षिप्त चर्चा करें। कोविड काल के बाद समय हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पहचान करते हुए वर्तमान नियोजन व्यवस्था की पर्याप्तता की चर्चा करें। आप बता सकते हैं कि गिग इकोनॉमी किस तरीके से रोल अदा कर सकता है और भी बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह के एक दो प्रश्न आपके साथ हम अगले कुछ दिनों से साझा करने की कोशिश करेंगे उसकी पूरी फॉर्मेट और डेटा के साथ। धन्यवाद।